मॉर्निंग। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, तो अब मैं आज आपको क्या बताऊंगी कॉकरोच की एनाटॉमी में। सबसे पहले आपको इस कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें मेन जो इम्पॉर्टेंट है, आपके तीन सिस्टम हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो बाकी बीच में छोटे छोटे हैं उसकी टर्म्स पढ़ लेने से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ये मैं आपको करा रही हूँ। एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच में सबसे पहले किसका, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर मैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझने के लिए मेनली आपको फिगर आना चाहिए, और फिगर जब आपको आ जाएगा तो उसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक्चुअली कॉकरोच का जो माउथ है, आपने पढ़ा कि वो कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनल एट द टिप ऑफ हेड। तो माउथ जो है कॉकरोच का, आप एलिमेंट्री कैनाल में ड्रॉ नहीं कर सकते, मैं सिर्फ लिख देती हूँ, माउथ इट ओपन्स इनटू फेरिंग्स, और फेरिंग्स के नीचे हाइपो टू द फेरिंग्स, बिलो टू द फेरिंग्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट इज हाइपोफेरिंक्स, और हाइपोफेरिंक्स इज नथिंग बट दिस स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स अ फ्लैप टू दैट यू कॉल व्हाट इज टंग। हाइपोफेरिंक्स क्या है, एक्चुअली टंग लाइक स्ट्रक्चर। अब दिस ओपन्स इनटू, ये जो हाइपोफेरिंक्स है ये कहाँ ओपन करता है, एक ये डायग्राम लंबा है तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा और ऊपर से बनाएंगे, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये आया आपका माउथ, जो कहाँ ओपन करा, फेरिंग्स में, फेरिंग्स, और दिस ओपन्स इनटू अ नैरो ट्यूब, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड ईसोफेगस। ये एक छोटी सी ट्यूब जिसको आपने ईसोफेगस कहा, ईसोफेगस फॉर्म्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप ओपन्स इनटू अनदर स्मॉल चैम्बर, जिसको आप क्या कहते हैं, गिजार्ड। दिस इज गिजार्ड, और आप इसको क्या कह सकते हैं, प्रो वेंट्रिकुलस और गिजार्ड। इतना पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का इज फोर गट, इतने पोर्शन को हम क्या कहते हैं, फोर गट। गट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड दिस होल एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड, ये जो है, ये जो आपका कौन सा पार्ट है, फोर गट का जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस होल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इतना हिस्सा, इसके अंदर किसकी मेम्ब्रेन है, काइटिन, इट हैज अ काइटिनस मेम्ब्रेन, और कहां पर आके, गिजार्ड में आके, एट द गिजार्ड इट हैज काइटिनस प्लेट, और ये जो काइटिनस प्लेट है, ये इट हैज काइटिनस प्लेट, देर आर सिक्स काइटिनस प्लेट, सिक्स काइटिन की प्लेट है ये, दीज आर सिक्स काइटिनस प्लेट। दिस इज मेंट फॉर ग्राइंडिंग, एक ग्राइंडिंग तो मैंडिबल ने करी, अब सेकेंड टाइम यहाँ पे ग्राइंडिंग होगी।
यहाँ दिस इज अ पैसेज ये स्टोर करने के लिए और ये ग्राइंड करने के लिए। अब इतने हिस्से में क्या थी, किसकी मेम्ब्रेन, काइटिन की। अब यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर कितने 6 to 8 क्या है आपको क्या दिखाई देंगी, ऑलमोस्ट 8 आपको क्या दिखाई देंगे, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। और इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट इज हिपैटिक सीके, हिपैटिक सीका और हिपैटिक सीके। अब दिस हिपैटिक सीके आर द सिनोनिम टू आवर लिवर, जैसे हमारा लिवर है ऐसे इनके पास क्या है, हिपैटिक सीके प्रेजेंट है ये। अब दिस मर्ज पोर्शन, ये डिमार्केशन है, इससे ऊपर क्या था आपका फोरगट, और ये है आपकी क्या मिडगट कॉइल स्ट्रक्चर, ये आपकी मिडगट। अब देयर इज नो मोर लाइनिंग ऑफ काइटिन, अब काइटिन यहां पर प्रेजेंट नहीं है, दिस इज नॉर्मल मेम्ब्रेनस इंटेस्टाइन मेड अप ऑफ मसल्स, अब ये नॉर्मल मस्कुलर इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पर जाके एक पॉइंट है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे फिर से छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आ गए, और इन ट्यूब्यूल्स का नंबर है अबाउट 100 से लेकर 150। ये अगर आप इसको देखो तो ये छोटी छोटी क्या है, ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं, एंड दीज आर नथिंग बट वी कॉल देम व्हाट इज मेलपीजियन, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। आपको पता होगा मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, जो इसका हीमोलिम्फ होता है वो यहाँ पर फिल्टर होता है, दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो हिपैटिक सीके से कहाँ तक, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स तक, ये सब क्या है मेलपीजियन ट्यूब्यूल। This is this much portion of alimentary canal is called which gut, mid gut. क्या कहेंगे इसको हम, mid gut कहेंगे। अब alimentary canal थोड़ी सी wider हो गई, broad हो गई, and this portion is what, क्या कहेंगे आप इसको, hind gut. This is hind gut. अब हाइंड गट वो इसमें एलियन, दिस इज कोलन एंड कोलन रेक्टम एंड एनस, और जो इसका लास्ट सोलन पार्ट है दिस इज व्हाट रेक्टम, एंड इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग, एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड व्हाट इज, दिस ओपनिंग इज व्हाट, एनस, ओपनिंग इज एनस। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्या एलिमेंट्री कैनाल ऑफ, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की क्या पढ़ाई मैंने आपको, एलिमेंट्री कैनाल, दिस कम्स अंडर एनाटॉमी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पढ़ना है कि foregut is lined by chitinous membrane. It has chitinous plate meant for grinding. Digestion and absorption occurs in small intestine. And this is what for? Just to pass the undigested food, and the presence of malpighian tubule in alimentary canal is this represent what? With system of excretion.